नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर की फायरिंग व तोड़फोड़। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र लालबाग में उस समय हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मुगलपुरा पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की जांच में जुटी। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि मोहल्ले के ही कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते यह विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में घायल हुए दो लोगों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही करने की बात कर रही है। छह लोग थे सर, और भी इनके साथ होंगे। मुझे चोट तो इसके तो खून रुक भी नहीं रहा। तो मेडिकल कराओ। क्या लगा फिर? खैर मारे हैं सर, बॉल मारी, पता नहीं कैसे मारा है। तो सबने देखा ही यहाँ पर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है यहाँ पर सर? पता नहीं, मैं तो पापा बैठे थे, उन्हें उठाने गया तो उन्होंने भीड़ में मारना शुरू कर दिया, मैंने उन्हें उठा दिया। इससे पहले भी कोई बातचीत हुई थी क्या? ना ना, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं। कौन थे मारने वाले सर? ये था लल्ला और ये शायर, इनका लड़का था शायर, शायर इनका लड़का अकरम पदान, अकरम पदान का लड़का फयान, और एक मुनव्वर और उसका लड़का आसिम। हाँ, इनका घर कहाँ है? इनका घर आ गया सर, आओ मैं। यहाँ झगड़ा यहाँ के मारा? हाँ। कितनी दूरी पर उनका घर? यह है तो सर, फैमिली, ये भी इनका ही घर है। किस कारण आके मारा, क्यों पता नहीं सर, भीड़ में अचानक लड़ाई हो गई। अब अचानक किस बात पर हुई? तुम्हारी कोई बात हुई कहाँ से? नहीं हुई, किसी और से हुई? तुम बीच बचाओ मेरे, किस बात से? क्या तू तो मैं चल रही थी सर। अच्छा। हाँ, काम तो मैं तो पापा को बचाने लगा, मैं कभी चोट वोट लग गया तो जो उनको ढाने चक्कर में फैर आया पर से तो मेरे से मुद्दे में लग गया और इसके भाई के टांग में लग गया। कहाँ गए वो फैर मार के? तो कहाँ है, भाग गया? सब भाग गए होंगे वो, जब इतनी पुलिस आ गई तो कोई रुक रहा है? घर में जेंट्स कोई भी नहीं है, सब नमाज पढ़ने गए तरावी, ठीक है। और हमारे घर में फैजान नाम का लड़का है, अकरम पठान का, और दिशान उसका भाई छोटा, ये लोग मोहल्ले हमारी गली में रहते हैं। जी जी बताएं। हमारी गली में रहते हैं फैजान और दिशान, ये हमारे घर में आए थे हम औरतों के ऊपर हाथ डालने, ठीक है, हमारे औरतों के ऊपर हाथ डालना आए थे। और इन्होंने बम जो फेंक के मारा, इन्होंने बम जो फेंक के मारा ना हमारे घर में, हमारी खिड़की का शीशा टूट गया, हमारे घर के बच्चों के लग जाता, वो तो हमने उन्हें बचा लिया। नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, हमारी गली में ही रहते हैं। ये नवाबपुरे वालों के चक्कर में बोल रहे थे, ये नवाबपुरे से जो झगड़ा हुआ था अभी पीछे, उनके चक्कर में बोल रहे हैं। आपसे क्यों बोले फिर? अब ये नहीं पता, हम लेडीज के ऊपर हाथ डालने क्यों आते हैं? ये इनके रिश्तेदार हैं आपकी? जी हमारी नहीं। मामला शुरू कैसे हुआ था? पूरा मामला बताओ कैसे शुरू हुआ? ये हमें कुछ नहीं पता, हमारे घर में आए थे बस हमारे ऊपर हाथ डालने। कौन कौन लोग थे? फैजान था, दिशान था। कहाँ के रहने वाले? हमारी गली में ही रहते हैं। पड़ोसी हैं आपके? जी जी पड़ोसी हैं। फिर क्या हुआ, पत्थरबाजी भी की? नहीं पत्थर नहीं, हमारे बंदे के लग जाता फायरिंग। फायर किया था उन लोगों ने हमारे घर आकर, वो बम मारे थे। कोई घायल भी हुआ है? नहीं, वो तो बच गए सब लोग। हमने तो ये भाग गए। कहाँ का मामला है? एड्रेस कहाँ का है? लालबाग पुलिस चौक से लगी है भैया। थाना कौन सा? उन्होंने बमबारी, बमबारी।